कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैय कन्नड़ अस्मिता की बात कहकर स्थानीय आरक्षण को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में ही कन्नड़ संस्कृति और परंपरा का कैसे अपमान हो रहा है ये अब हम आपको दिखाते हैं। आईटी सिटी बेंगलुरु में एक मॉल में एक बुजुर्ग किसान को एंट्री करने से रोक दिया गया, क्योंकि उस बुजुर्ग किसान ने लुंगी पहनी थी जो कर्नाटक में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है। मतलब एक बुजुर्ग को कर्नाटक एक मॉल में इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उसने कर्नाटक की पारंपरिक पोशाक यानी लुंगी पहनी थी। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि पहले पैंट पहनकर आइए फिर अंदर जाइए। तो लुंगी पहने बुजुर्ग को रोके जाने के बाद कुछ कन्नड़ भाषी संगठन ने इसका विरोध किया और मॉल पहुंचे, वहां लुंगी पहनकर प्रवेश भी लिया। दरअसल किसी नियम की बात नहीं, बात सोच की, वो सोच जिसमें लुंगी पहना शख्स मॉल में घुसने की हैसियत नहीं रखता। यही किसान की जगह कोई इंग्लिश स्पीकिंग गाय लुंगी पहनकर आता तो मॉल के सिक्योरिटी गार्ड सैल्यूट भी करते, सर भी बोलते, इज्जत से एंट्री भी देते। हमेशा लुंगी में दिखने वाले सीएम सिद्धारमैया अगर चाहें तो मॉल्स में भी कन्नड़ अस्मिता और स्थानीय वेशभूषा के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। दो तस्वीरें आप देख लीजिए, पहली तस्वीर एक आम आदमी जो लुंगी पहने हैं और दूसरी तस्वीर एक राजनेता की जो लुंगी पहने हैं। दोनों की पोशाक की किस्म एक है लेकिन दोनों की हैसियत क्योंकि अलग अलग है तो दोनों के बारे में सोच अलग अलग है। और अब देश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आपको कन्नड़ भाषा नहीं आती तो अब नौकरी ढूंढने के लिए कभी बेंगलोर मत जाना, क्योंकि कर्नाटक सरकार राज्य की प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ स्थानीय कन्नड़ युवाओं की भर्ती का नियम लागू करने वाली। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि वो राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर नहीं चलेगी और लोकल फॉर वोकल पर होगी। इसके लिए कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट ने बिल पास किया जिसके जरिए कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों के अंदर नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 100% तक आरक्षण देने की तैयारी है। पहले कर्नाटक सरकार ने तय किया था कि इस बिल को 18 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन अब खबर यह कि कर्नाटक सरकार इस बिल को विचार विमर्श के लिए रखेगी, यानी बिल फिलहाल होल्ड पर है। लेकिन कर्नाटक सरकार का यह बिल अगर कानून बन जाता है तो क्या होगा वो जरा समझो। कर्नाटक के उद्योगों, कर्नाटक के कारखानों और कर्नाटक के सभी प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय कन्नड़ युवाओं को आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। मैनेजमेंट लेवल पर 50% और गैर मैनेजमेंट वाली प्राइवेट नौकरियों में 70% पदों पर कन्नड़ भाषियों को रखना होगा। प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100% लोकल लोगों को रखा जाएगा। सुनिए जरा एक बार फिर, प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100% सिर्फ लोकल लोगों को रखा जाना जरूरी हो जाएगा। इस कानून बनने के बाद कर्नाटक में हर छोटी बड़ी नौकरी में आरक्षण का फायदा लेने से पहले कन्नड़ भाषा में आपको टेस्ट देना होगा। अगर कंपनियों ने इस कानून का उल्लंघन किया तो 10,000 से 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। तो सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस बिल को लाने के पीछे कर्नाटक सरकार की सोच ये कि कन्नड़ी लोगों को कर्नाटक में ही नौकरी के लिए भटकना ना पड़े और वो कन्नड़ भूमि पर कंफर्टेबल लाइफ जी सके। 70% लोगों के लिए नॉन मैनेजमेंट में रिजर्वेशन लेके आने की बात कर रहे हैं प्रेफरेंस, एंड 50% मैनेजमेंट लेवल में की मांग कर रहे हैं। सो उसमें इन केस यदि इस दोनों के तरफ से यदि 70% का यहाँ स्किल बेस नहीं है वो दूसरे को भी कहीं से भी लेके आ सकते हैं, मैनेजमेंट लेवल में भी वही रहेगा जो भी है इधर 15 साल से यदि ज्यादा है सो वो कन्नड़ेगा ही हो जाता है। अभी इंडस्ट्री कहीं खेड़ेगांव में बना है, बिहार से तो लोगों को लेके आके नहीं काम देंगे ना सर। यदि बिहार में कोई लोकल इंडस्ट्री बनी है तो वहाँ लोकल लोगों को ही काम देता है। सो नॉन मैनेजमेंट लेवल में जो डाउनग्रेड रहेगा उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है, उसमें भी हमने छूट दिया 30%। तो प्राइवेट नौकरियों में लोकल लोगों को रिजर्वेशन देने वाले इस बिल में स्थानीय शब्द को परिभाषित किया गया। बिल के मुताबिक स्थानीय वो हैं जो कर्नाटक में जन्मा हो, 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। जाहिर है लोकल रिजर्वेशन से कन्नड़ लोगों की तो लॉटरी लग जाएगी लेकिन गैर कन्नड़ आबादी की मुसीबत बन जाएगी। कर्नाटक की वर्कफोर्स में करीब 20% आबादी गैर कन्नड़ है। आईटी हब बेंगलुरु की कंपनियों में गैर कन्नड़ स्टाफ की तादाद 35% है।
प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन के कर्नाटक सरकार के फैसले पर वहां की इंडस्ट्रीज ने नाराजगी जाहिर की। कई कंपनियां चेतावनी दे रही हैं कि लोकल टैलेंट की कमी के चलते कंपनी को राज्य से बाहर जाने के बारे में सोचने पर विवश होना पड़ेगा। वैसे पता होना चाहिए आपको यहां कि कर्नाटक में पहले दो राज्यों में स्थानीय आरक्षण वाला कार्ड चल चुका है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने वाला कानून पास किया था। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने भी निजी उद्योग में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का बिल पास किया था। बाद में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और रद्द कर दिया।